नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्याज की नर्सरी जब हम रीप्लांटिंग के लिए इसको उखाड़ेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोप हम उखाड़ पाएँ और बिल्कुल ही नाम मात्र रोप भी इसमें खेत में ना छूटे और ना इसमें टूटने की समस्या आए। तो इसकी बात करेंगे कि उसके लिए हमें कौन सा खाद डालना है, पूरी जानकारी आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और उत्साह बढ़ता है। और आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक शेयर करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हमारी जानकारी का लाभ ले पाते हैं और हमारी मेहनत सफल होती है दोस्तों। इसलिए आप व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी जरूर करें। और खेती से संबंधित चाहे प्याज लहसुन की खेती हो, सरसों, अलसी, मटर, गेहूं, सभी फसलों की जानकारी समय समय पर जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा। तो किसान साथियों, वैसे तो हमने प्याज नर्सरी की सभी जानकारियाँ आपको, जब रोप कण कैसे डालना है, खेत की तैयारी कैसे करना है, कौन सा खाद डालना है, कौन कौन से उसमें कार्य करने हैं जिससे कि नर्सरी में अंकुरण अच्छा हो, उसके बाद में नर्सरी में फंगस का उपचार कैसे करना है, कीटों से कैसे बचाना है, टॉनिक कौन सा देना है, ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, और अभी वीडियो डाला है हमने कि आपको नर्सरी जल्दी कैसे तैयार हो जाए, उसके लिए आपको कौन सा स्प्रे करना है, क्या कार्य करना है, सिंचाई कब कब करनी है, पूरी जानकारी दे रखी है। और आगे भी जब रोपाई प्याज की होगी तो उस समय भी प्याज की रोपाई से संबंधित वीडियो भी हमने डाल रखा है और आगे भी वीडियो डालेंगे कि आपको कौन सा खाद कौन सा बीज देना है। इसलिए आप चैनल पर हमेशा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि किसान भाई बड़ी मेहनत से महंगा बीज लाकर अपनी प्याज की जो नर्सरी होती है उसे तैयार करते हैं, और अगर उसमें कुछ रोप या बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान भाइयों की समस्या आती है, हमें कमेंट भी आते हैं कि बहुत सारे रोप हमारी जो नर्सरी तैयार करते हैं वहीं पर टूट जाते हैं, उसे तरह से हम नहीं उखाड़ पाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना होगा, तो उसकी हम अभी बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों, यह समस्या उन खेतों में ज़्यादा आती हैं जहाँ पर हम खेत की मिट्टी भुरभुरी नहीं होती है, बिल्कुल ही हार्ड मिट्टी अगर हो जाती है तो उन खेतों में हम नर्सरी अगर उखाड़ते हैं तो वो यहाँ से टूटने की समस्या आती है और फिर वो तना ऊपर का हमारे हाथ में रह जाता है और जड़ें बिल्कुल ही नीचे रह जाती है और वो पौध हमारी जो हमने 1.5 महीने की या 45 से 50 दिन की जो मेहनत की थी वो बिल्कुल बेकार चली जाती है दोस्तों। तो इस समस्या से निपटने के लिए दोस्तों, जब आपकी नर्सरी 35 से 40 दिन के आसपास या आप उखाड़ रहे हो उससे 10 से 12 दिन पहले की हैं, तो उसमें आपको जब या तो आप जब निंदाई गुड़ाई करवा रहे हो लहसुन की ये अपनी रोप की या कण की, उस समय उसमें जो हम बता रहे हैं वो खाद डालना है, या फिर आपने निंदाई गुड़ाई कराते समय नहीं डाल पाए हैं तो जब आप नर्सरी को उखाड़ने वाले हों उसके जस्ट पहले वाली सिंचाई या उसके पहले वाली दूसरी सिंचाई यानी कि सेकेंड लास्ट सिंचाई या लास्ट सिंचाई में यह खाद आपको डालकर सिंचाई कर देना है, जिससे कि मिट्टी बिल्कुल ही भुरभुरी हो जाएगी और उसमें बिल्कुल ही मुलायमपन आ जाएगा और वो जहाँ तक अपन ऐसे देखेंगे कि जड़ों तक बिल्कुल ही मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी दोस्तों। जैसे कि अपन अगर ऐसे उंगली डालेंगे तो पूरी उंगली दोस्तों उसके अंदर चली जाएगी और बिल्कुल ही उसमें भुरभुरापन आ जाएगा। तो उसकी वजह से दोस्तों, जैसे ही अपन नर्सरी उखाड़ेंगे तो उसमें ज़्यादा मिट्टी भुरभुरी होने के कारण उसमें टूटेगा नहीं रोप, और हम जैसे ही उखाड़ेंगे तो पूरी तरह से मुलायम मिट्टी होने के कारण पूरी हमारी नर्सरी काम में आ जाएगी और हमारा जो पैसा, समय और जो हमने खर्च किया, इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा हमारे हाथों में रहेगा और हमें उसको रीप्लांट करके बहुत सारा अच्छे से मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। हमें नर्सरी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो वो खाद कौन सा है दोस्तों, उसकी अगर बात करें तो हमें, अब अगर हम नर्सरी में, बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि अब अगर हम बीघे के हिसाब से खाद बताएं, एकड़ के हिसाब से खाद बताते, तो उसमें समस्या आती है कि कुछ छोटे किसान हैं जो कि हमारे किसान साथी भाई हैं, वो बीघे में तो पूरे में नर्सरी नहीं डाल पाते हैं, तो इसलिए वो जितनी क्यारियों में डालते हैं उसके हिसाब से अगर बात करें तो जिन किसान भाइयों ने 1 किलो नर्सरी डाली है तो वो आप अपने हिसाब से कर लेना। जैसे 1 किलो नर्सरी डाली है तो 1 किलो नर्सरी के साथ में आपको 1.5 से 2 किलो जो जाइम होता है दोस्तों, जो जाइम आता है ग्रेन्यूल्स फार्म में, मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का मिल जाता है, तो वो जाइम आपको अगर ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी आपकी हार्ड नहीं है तो आप 1 किलो भी ले सकते हैं, अगर मीडियम मिट्टी है आपकी तो 1.5 किलो ले सकते हैं, और ज़्यादा ही हार्ड है और ज़्यादा ही टूटने की समस्या आपके इधर आती है तो आप 2 किलो तक भी ले सकते हैं, उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। पर आपको कम से कम 1 किलो बीज जहाँ पर डाला है उसी जगह में आपको कम से कम 1 किलो जो जाइम होता है वो ग्रेन्यूल्स फार्म में आता है, जिसमें कि बहुत सारे
ग्रेनुअल्स होते हैं और पोषक तत्व भी होते हैं और जड़ों को मुलायम करने की ताकत उसमें होती है, तो वह आपको लेना है। एक किलो नर्सरी जहाँ पर डाली है उसके लिए आपको एक किलो जाइम लेना है और 1.5 से 2 किलो आपको उसके साथ में यूरिया मिला देना है। और यूरिया और दोनों का मिक्सचर करके आपको सिंचाई करने के पहले अच्छे से खेत में भुड़काव करके उसको डाल के खाद के रूप में और उसमें आपको सिंचाई हाथों हाथ कर देनी है। सिंचाई करने के बाद में आपको जो मिट्टी है वो बिल्कुल ही 2 से 3 दिन में उसका रिजल्ट आएगा और मिट्टी आपकी भुरभुरी होने लग जाएगी दोस्तों। तो ये काम कर सकते हो। और अगर आपके घरों में जो चूल्हे की राख होती हैं, जो कंडे की हो या लकड़ी की हो, किसी की भी हो, उसका उपयोग भी आप जो है नर्सरी में सिंचाई से पहले करके फिर सिंचाई कर सकते हो, तो दोस्तों उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो जो छोटे किसान हैं वह तो चूल्हे की या जो कंडे की अपन या जो लकड़ी की राख होती है, अच्छी जली हुई राख जो पूरी हो जाती है, उसको दोस्तों लेकर भी हम अपने नर्सरी में जो है नीचे जब डालकर उसको सिंचाई करते हैं तो उससे भी मुलायमपन बिल्कुल अपनी नर्सरी की जो जड़ें हैं या ज़मीन में आ जाता है। और अगर इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो अब जो ग्रेनुअल्स डाल रहे हैं वह पूरा पक्का काम करेगा, उसके साथ में अपने को यूरिया ले लेना है। मात्रा में एक बार फिर से बता दोस्तों, 1 किलो जहाँ पर नर्सरी डाली है वहाँ पर आपको 1 किलो तो कम से कम जाइम जरूर लेना है, और अगर ज़्यादा हार्ड है तो आप 1.5 से 2 किलो भी ले सकते हैं, और उतनी ही मात्रा आपको यूरिया की भी ले लेनी है, और दोनों को मिक्स करके सिंचाई करके आपको जो है पानी चला देना। यह काम आप जब नर्सरी 25 दिन की होती है उससे लेकर आप 45 दिन की नर्सरी में कब भी कर सकते हैं, चाहे वह लास्ट सिंचाई में करें, सेकेंड लास्ट सिंचाई में करें या निंदाई के समय करें दोस्तों। तो आप कब भी इस जो है खाद का उपयोग करके अपनी जो नर्सरी है उसकी मिट्टी को मुलायम बना सकते हो, जिससे कि आपकी नर्सरी उखाड़ते टाइम बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और सारा रोप आपका जो काम में आ जाएगा, और उखाड़ने में मजदूर भी दोस्तों इससे कम लगेंगे, क्योंकि दोस्तों बीज टूटता है दोस्तों, कण टूटता है, अपना रोप अगर टूटता है तो उसमें मजदूरों भी दोस्तों ज़्यादा लग जाती है अगर हार्ड आता है तो। तो इस खाद का उपयोग करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों रोप कम से कम टूटे उसके लिए आपको जो है जब आप नर्सरी को उखाड़ रहे हो उसके 3 से 4 दिन पहले आपको अपनी खेत की मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करना है, और अच्छे से बराब आते आते बराब में या आता आता जो बराब होता है उसमें आपको नर्सरी को निकालना है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं होने देना है और ज़्यादा गीले गीले में भी आपको नहीं रोप उखाड़ना है। थोड़ी मीडियम जब आपकी नमी रह जाए खेतों में तब आपको जो है रोप को उखाड़ोगे तो आपकी कोई भी नर्सरी अंदर नहीं टूटेगी और आपका उसका पूरा लाभ लेकर रिप्लांट कर सकते हो दोस्तों। तो नर्सरी को आपको 45 दिन के आसपास में रोपाई करना है, 45 से 50 दिन के बीच में करना है, उसके बाद ज़्यादा बड़ी भी नहीं करना है, और उसके पहले भी ज़्यादा जब नर्सरी छोटी होती है तब भी नहीं करना है दोस्तों। उसके क्या फ़ायदे नुकसान है उसकी भी आगे वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। अगले वीडियो में बहुत सारे टॉपिक लेकर हम आने वाले हैं, तो आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी कैसी लगी आपको यह कमेंट भी जरूर करें। खेती संबंधित आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम सवालों के जवाब भी देंगे और कुछ सुझाव होंगे तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसलिए आप कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।